हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई सीरीज आउटर बैंक्स के सीजन 3 की, जो कि एक बेहतरीन टीन एक्शन एडवेंचर ट्रेजर हंट मिस्ट्री सीरीज है। और इस सीजन 3 को अच्छे से समझने के लिए पहले दो सीजन्स पर बनी हुई आप हमारी वीडियोस को देखना ना भूलें, जिनका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन और नीचे आई बटन में मिलेगा। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सीजन 3 की शुरुआत में हमें सभी पॉक्स एक आइलैंड पर नजर आते, जिसमें वो लोग वहीं पर रहना शुरू कर देते और वो आइलैंड को वो लोग पॉगलैंडिया नाम देते। और फिर वहां पर वो लोग एक पूरा महीना बिताकर काफी एंजॉय करते। और फिर एक दिन उन्हें एक प्लेन नजर आता है, जिसमें वो लोग उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते और वो प्लेन नीचे आता है और उसमें से टॉम नाम का एक आदमी निकलता है और वो उन सभी लोगों को उस आइलैंड से निकालने तैयार होता है। और फिर सभी लोग प्लेन में वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ वार्ड अब अपने सर पर चोट लगने से कोमा में होता है और रफे अपने परिवार के साथ सभी लोगों को लेकर एक आइलैंड पर छुपा हुआ होता है, जिसमें उसके पास क्रॉस और सारा सोना भी वहां पर ही होता है। और फिर सारा को टॉम पर शक होता है और तब वो लोग उसके बैग में एक बुक से वार्ड के जहाज की तस्वीर देख लेते हैं और सभी पोक्स समझ जाते हैं कि वो उन्हें लेने के लिए आया था। और तब उन लोगों में लड़ाई होती है, जिसमें वो लोग एक आइलैंड पर गिरते हैं और वहां पर कुछ लोग उन लोगों पर हमला करते हैं, जिसमें टॉम क्यारा को किडनैप करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ रफे अपने क्रॉस को बेचने के लिए एक आदमी से मिलता है और वो अपने मालिक को क्रॉस की डील करने के बारे में बताएगा और इसलिए वो रफे को उनसे मिलने कहता है। और तब रफे उनसे मिलने जाता है और उसे वहां पर क्यारा भी मिलती है, जिसमें उस आदमी ने उन दोनों को किडनैप करवाया होता है और उसका नाम कार्लोस सिंह होता है, जो कि उस आइलैंड का सबसे रईस आदमी होता है। और वो दोनों को बताता है कि 400 सालों पहले सोना और क्रॉस दोनों जहाज पर गए थे और वो सभी सोने को एल्डोराडो नाम के एक सोने के शहर से निकाला गया था और उस सोने के शहर को पूरी दुनिया के कई सारे लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन आज तक कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया और कार्लोस उस खोज को खत्म करना चाहता है और इसलिए उसे क्यारा और उसके दोस्तों के पास की एक डायरी चाहिए होती है, जो कि असल में डेनमार्क डैनी की डायरी होती है। और तब क्यारा को उस डायरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये वो बोलती है। और तब कार्लोस उन्हें कैद कर देता है और वहां दोनों देखते हैं कि कार्लोस काफी खतरनाक आदमी है और वो कई लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ पॉक्स क्यारा और कार्लोस के बारे में पता लगाते हैं और वो लोग क्यारा को बचाने का प्लान बनाते हैं और वहीं पर उन्हें पकड़ने के लिए कार्लोस के लोग आते हैं और तब वो लोग वहां से भागते हैं। और तब तक कार्लोस के घर से क्यारा और रफे भी भाग जाते हैं और दोनों रफे की बोट में आते हैं और तब क्यारा रफे को धोखा देकर उसकी बोट लेकर वहां से चली जाती है और वो पॉक्स को अपने पास बुलाती है और सभी लोग वहां से निकलने वाले होते हैं, जिसमें जॉन को पास के एक चर्च से बैल की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसके पिता बिग जॉन जॉन को बुलाने के लिए यूज करते थे और इसलिए वो वहां पर एक बार जाना चाहता है और इसलिए वो उस आइलैंड पर ही रुक जाता है। और वहां कार्लोस के लोगों के आने पर पॉक्स बिना जॉन के ही वहां से निकलते हैं और जॉन को उसके पिता बिग जॉन उसी चर्च में मिलते हैं और तब दोनों बाप बेटे काफी खुश होते हैं और अब उन्हें भी वहां से निकलना होता है, जिसमें बिग जॉन बताता है कि उसे इस शहर से काम की चीज लेनी है। और वो दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं और वो लोग एक म्यूजियम में आकर एक आदमी से मिलते हैं, जो कि बिग जॉन का दोस्त होता है और वो उसे एक पार्सल देता है और वो लोग उसे देखते हैं, जो कि असल में एक मूर्ति का आधा टुकड़ा होता है। और वहां पर कार्लोस भी आ जाता है और वो म्यूजियम वाले को धमकाता है और तब तक बिग जॉन और जॉन वहां से भाग जाते हैं और दोनों एक बोट से उस शहर को छोड़कर आउटर बैंक्स जाने रवाना होते हैं। और फिर बिग जॉन जॉन को बताता है कि वार्ड से उसकी लड़ाई के बाद वो एक आइलैंड पर काफी बुरी हालत में फंसा था और वहां पर उसे दो लोगों ने बचाया था, जो कि कार्लोस के आदमी थे, और उसमें से एक को उसने मारकर वहीं पर बिग जॉन की जगह पर रख दिया था, जिसकी लाश सबने देखी थी। और कार्लोस ने बिग जॉन को कैद करके रखा था, जिसमें वो खजाने की तलाश में लगे थे, और बिग जॉन ने कार्लोस को मारकर वो भी वहां से भाग गया था और उसने कार्लोस से ही उस मूर्ति का आधा टुकड़ा चुराया था। और वहां जॉन वो सारा को डेट कर रहा है, ये बताता है, और तब बिग जॉन अपने बेटे के लिए काफी खुश होता है। दूसरी तरफ रफे आकर वार्ड से मिलता है, जो कि अब ठीक हो चुका होता है, और वार्ड रफे को आउटर बैंक्स जाकर वहां के उनके बिजनेस को संभालने के साथ साथ घर को बेच देने कहता है।
और तब तक सभी पोक्स आउटर बैंक पहुंचते हैं, जिसमें बिग जॉन और जॉन साथ में एल डोराडो शहर को ढूंढने जाने का डिसाइड करते हैं और वो कभी भी अलग नहीं होने का वादा करते हैं। अगले दिन सारा वहां पर आती है और वो जॉन से मिलती है, जिसमें बिग जॉन को जिंदा देखकर वो भी चौंक जाती है और तीनों मिलते हैं और बाकी सभी बच्चे जाकर अपने माता पिता से भी मिलते हैं, जो कि उन्हें जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं। और फिर बिग जॉन जॉन को अपने साथ लेकर निकलता है और वो उनके बीच की चीजें कभी भी पॉक्स को कुछ भी नहीं बताने कहता। और फिर वहां से दोनों कार्लोस को जो डायरी चाहिए थी उसे लेने जाते, जो कि असल में डेनमार्क टैनी की थी, और वो जॉन के एक प्रोफेसर के पास होती है और उसके घर पर दो किलर्स से उनका सामना होता है और वो लोग वहां से डायरी लेकर भाग जाते हैं। और तब बिग जॉन और जॉन प्रोफेसर को बचाते और फिर वहां से उन दोनों किलर्स को पकड़ने जाते और वो एक बोट से उन्हें पकड़ लेते, जिसमें वो दोनों किलर्स के पास आकर उनसे बात करते और बिग जॉन उनसे डील करता है और फिर वो वहीं पर दोनों को मार देता है और फिर वो उनकी बोट में जाकर उन्हें नीचे फेंक कर बोट को डुबाने जाता है, जिसमें जॉन अपने पिता के इस रूप को देखकर काफी डर जाता है और फिर वॉल्ट को काफी बुरा लगता है कि उसने अपनी बेटी सारा को मारना चाहा था और इसलिए वो क्रॉस को डोनेट करने का डिसाइड करता है और वो इस बारे में रोज को भी बताता है। और फिर वो इस बारे में रफे से बात करता है, जिसमें वो आउटर बैंक्स के एक म्यूजियम में क्रॉस को डोनेट करने भेज रहा होता है और राफे इस चीज से नाराज होता है और उसकी बातें सारा घर पर आकर सुन लेती है और फिर वो इस बारे में क्यारा को बताती है। और फिर राफे भी फिर से बैरी से मिलता है और वो क्रॉस को चुराना चाहता है ये बताता है और वहाँ बैरी को वो अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है। और फिर डेनमार्क टैनी की डायरी से बिग जॉन उसकी मूर्ति के दूसरे हिस्से के बारे में पता लगा लेता है। और फिर सभी पोक्स मिलते हैं, जिसमें सारा बताती है कि रात को एक ट्रेन से क्रॉस वहां पर आ रहा है और उन लोगों के पास अभी भी जॉन नहीं आया होता और तब वो लोग उसके बिना ही इस मिशन को अंजाम देने का डिसाइड करते हैं और उन्हें एक ट्रक चाहिए होता है। और तब सारा जाकर टॉपर से मिलती है और वो उसे अपनी बातों में फंसा कर रात को ट्रक लाने के लिए मना लेती है। और फिर बिग जॉन और जॉन एक म्यूजियम में रात को घुसते हैं और वहां पर एक चर्च के सामान से उन्हें मूर्ति का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, जो कि एक कपड़े के साथ होता है, और दोनों उस टुकड़े को जॉइंट कर देते हैं, जिसमें चांद की रोशनी में वो मूर्ति काफी चमकती है। और फिर दोनों बाहर आते हैं, जिसमें उनकी कार वहां से गायब होती है और वो कार्ला ने ली होती है। और तब बिग जॉन बताता है कि कार्ला ने उसकी काफी मदद की थी और अब कार्ला को उसे कपड़ा लौटाना होता है और मूर्ति के साथ जो उन्हें कपड़े का टुकड़ा मिला था वही क्रॉस के कपड़े का टुकड़ा है ये बताकर वो उसे देने का डिसाइड करता है। और फिर वो दोनों आकर कार्ला से मिलकर उसे क्रॉस की झूठी कहानी सुनाते और फिर वो पवित्र कपड़ा कार्ला को देते और तब कार्ला उस कपड़े पर भरोसा करती है और वो उसे लेकर उठती है, जिसमें वो अपनी लकड़ियां फेंक देती है और वो चलने लग जाती है और तब वो काफी खुश होती है, जिसमें बिग जॉन जॉन को बताता है कि ये चीज मन के अंदर के भरोसे के चलते हुई है। और वो दोनों वहां से निकलते हैं और फिर जेजे ट्रेन के सिग्नल को जाम करके उसे रोक देता है और तब तक बाकी सभी ट्रेन के डिब्बे से क्रॉस को चुरा कर उसे ट्रक में डाल देते हैं और वहां पर ऑफिसर्स उन्हें देख लेते हैं और तब ऑफिसर्स उनका पीछा करते हैं, जिसमें सभी पोक्स क्रॉस के बॉक्स को गिरा देते हैं और असल में उस बॉक्स में क्रॉस होता ही नहीं है और उसे पहले ही चुरा लिया गया होता है। और तब सभी पोक्स दुखी होकर वहां से आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ रफे और बैरी ने क्रॉस चुरा लिया होता है और वो दोनों उसे जलाना शुरू करते हैं, जिसमें रफे का प्लान उसके कई सारे टुकड़े करके अलग अलग बेचने का होता है। और अब जॉन अपने पिता के नए रूप को देखकर काफी डर चुका होता है और फिर बिग जॉन सभी पोक्स से मिलता है और फिर जॉन पोक्स को उन्हें मिलने वाली मूर्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताता और वहां सभी पोक्स समझ जाते हैं कि वो कुछ छुपा रहा है और इस चीज से सारा और जॉन में भी बहस होती है और तब सारा वहां से चली जाती है। और फिर क्रॉस के चोरी होने से राफे और वार्ड में झगड़ा हो जाता है और तब राफे वहां की चीजें अपने हिसाब से संभालेगा ये बोलता है और वार्ड वहां पर आ नहीं सकता क्योंकि आउटर बैंक्स में वो मर चुका है ये भी वो बताता है। और फिर बिग जॉन अपनी पुरानी टीम से मिलने निकलता है, जिसमें उन लोगों ने एल्डोराडो शहर को ढूंढ लिया होता है और फिर सारा जाकर टॉपर से मिलती है और वो उसके साथ रहने वाली होती है क्योंकि अब उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता। और फिर रात को वो लोग आइलैंड की दूसरी तरफ एक पार्टी में आते हैं, जिसमें सारा टॉपर को किस करती है और दोनों उसी जगह पर सेक्स करते हैं।
दूसरी तरफ जेजे राफे और बैरी की बोट के नीचे आता है और वो दोनों की बातें सुन लेता है, जिसमें वो समझ जाता है कि उन दोनों ने क्रॉस को चुराकर उसे पिघला दिया है। और इस बारे में वो पॉप को बताता है और तब पॉप काफ़ी दुखी होता है क्योंकि वो उसकी खानदानी संपत्ति थी। और फिर बिग जॉन और जॉन एक प्रोफेसर से मिलते हैं, जिसमें उन दोनों को अमेरिका के एक जंगलों में एक जगह पर एल्डोराडो शहर में जाने का वो रास्ता बताता है। साथ ही वहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया होता ये भी बताकर वो उन्हें उस जगह से दूर रहने कहता है। और तब बिग जॉन उसे उसकी ढूंढी हुई मूर्ति दिखाता है और तब वो प्रोफेसर उसकी चीजें पढ़ता है और वहीं पर उन लोगों पर हमला होता है और वो प्रोफेसर मारा जाता है, जिसमें कार्लोस वहां पर आकर बिग जॉन को पकड़ लेता है। और तब बिग जॉन उस मूर्ति की चीजें पढ़कर उन लोगों को एल्डोराडो शहर पहुंचा सकता है ये बताता है। और तब कार्लोस उसे किडनैप करके वहां से निकल जाता है। और तब जॉन आकर जेजे से मिलता है और वो उसे सभी चीजें सच बता देता है, जिसमें अब उन्हें अमेरिका जाना होता है। दूसरी तरफ वार्ड आउटर बैंक्स में आता है और वो रफे को धमकाता है कि उसने क्रॉस चुरा लिया है। और तब रफे बता देता है कि उसने क्रॉस को पिघला दिया है। और तब वार्ड को ये चीज पसंद नहीं आती क्योंकि वो काफी बड़ी संपत्ति मानी जाती है। और वार्ड रफे को वहां से निकल जाने कहता है और वो उसे धमकाता है कि वहां की चीजें अब वो अपने हिसाब से संभाल सकता है। और फिर सारा और क्यारा मिलते हैं, जिसमें क्यारा को सारा और टॉपर के बारे में समझ जाता है और ये चीज़ एक गलती थी ये क्यारा बताती है। और फिर सारा आकर वार्ड से मिलती है, जिसमें वार्ड सारा से माफ़ी मांगता है और वो हमेशा अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने तैयार है ये बताता है। दूसरी तरफ पॉप पढ़ाई करता है और तब उसे सभी चीज़ें समझती है कि रॉयल मर्चेंट शिप, क्रॉस और पूरा एल्डोराडो शहर जुड़ा हुआ है। और फिर क्यारा की एक पार्टी में जेजे और जॉन वहां की बोट से अमेरिका जाने के बारे में सोचते हैं, जिसमें जॉन सारा को उसके साथ चलने कहता है और वो उससे झगड़ा करने के लिए माफी मांगता है। और तब सारा उसके साथ अमेरिका चलने तैयार होती है और उसने टॉपर के साथ सेक्स किया ये बताकर वो उससे माफी मांगती है। और तब जॉन वहां से चला जाता है और वहां टॉपर आकर सारा को संभालता है और ये चीज जॉन भी देख लेता है और तब वो आकर टॉपर को काफी ज्यादा मारता है। दूसरी तरफ पॉप अपनी दादी का सामान देखता है और उसमें से उसे डेनमार्क टैनी का आखिरी लेटर मिलता है जो कि उसने उसकी बेटी के लिए लिखा होता है। और उससे पॉप को पता चलता है कि रॉयल मर्चेंट का असली सोना एल्डोराडो शहर से आया था और उन्हें वहां पर एक पेपर और प्राचीन भाषा के निशान भी मिलते हैं। और अब पॉप और क्लियो दोनों एल्डोराडो के खजाने को ढूंढने जाने का डिसाइड करते हैं। और दूसरी तरफ रफे आकर बैरी से मिलता है और वो अपने पिता वॉल्ट को मार देने की सुपारी देता है और तब बैरी भी मान जाता है। और फिर सारा जाकर वॉल्ट से मिलती है और वो उनका प्लेन अमेरिका जाने के लिए मांगती है, जिसमें वो भी मान जाता है। लेकिन टॉपर को मारने के इल्जाम में ऑफिसर शॉपे जॉन को पकड़ लेते हैं और तब सारा टॉपर से मिलती है और जॉन यहाँ से अमेरिका चला जाएगा और वो टॉपर के साथ यहीं रहने का वादा करके जॉन को छुड़ा लेती है। और फिर रात को जॉन के घर पर सभी पोक्स जमा होते हैं और वहाँ से सब अमेरिका जाकर एल्डोराडो शहर ढूंढने का डिसाइड करते हैं, जिसमें वो लोग काफी खुश होते हैं। और फिर सारा फिर से जॉन के कमरे में आकर उससे माफी मांगती है और दोनों वहाँ पर किस करते और सेक्स करने में लग जाते हैं। और ये चीज बाहर से हमारा दिल जला हुआ आशिक टॉपर देखता है और वो समझ जाता है कि सारा उसे चुतिया बना रही है और इसलिए वो घर को जलाकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन सभी लोग जले हुए घर के बाहर दुखी होते हैं और वहां से सभी लोग अपना सामान लेने निकलते हैं। लेकिन क्यारा जब घर पर आती है तब उसके माता पिता उसे सुधारने के लिए एक कैंप में जबरदस्ती भेज देते हैं और बाकी सभी लोग प्लेन के पास जमा होते हैं और वहां पर क्यारा नहीं आई होती। और तब जेजे क्यारा को लेकर आएगा ये वादा करके वहां से निकलता है और वो क्यारा के घर पर आकर उसके कैंप जाने के बारे में पता लगा लेता है। दूसरी तरफ बैरी एक किलर को वार्ड को मार देने की सुपारी देकर भेजता है और रफे के हृदय परिवर्तन होने पर वो आकर अपने पिता को बचाने के लिए बैरी को कहता है और तब बैरी उसे किलर के बारे में बताता है और वो किलर वार्ड पर हमला करता है और तब रफे जाकर उस किलर को मार देता है और वहां वार्ड को बचाने में वो घायल हो चुका होता है और वहां पर एक आदमी उन्हें देख लेता है
और तब रफे वॉल्ट को लेकर उसके प्लेन के पास आता है, जिसमें वो वहां से प्लेन में बैठ जाते हैं और पॉक्स और वॉल्ट के साथ वहां से जाने तैयार नहीं होते। लेकिन सारा इस चीज के लिए माफी मांगती है और उनके पास कोई रास्ता ना होने की वजह से वो लोग उसी प्लेन में वहां से निकल जाते हैं। और फिर रात को जे जे क्यारा के कैंप में पहुंचता है और वो लड़कियों के सोने की जगह पर आता है और वहां पर सभी लड़कियों के बीच में उसे क्यारा मिलती है, जिसमें वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और किस करते हैं और फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। और वो दोनों एक प्लेन के पास आते हैं जिसमें जे जे ने एक गैंगस्टर से डील की होती है और वो क्यारा के साथ अमेरिका जाने उसी प्लेन में निकलता है। और फिर प्लेन में सभी पॉक्स एल्डोराडो शहर के बारे में बात करते हैं और तब वार्ड उनकी बातें सुन लेता है और फिर सभी लोग अमेरिका पहुंचते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ जेजे और क्यारा भी उतरते हैं और दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। और शहर में जॉन को एक जगह पर अपने पिता की आवाज आती है और तब वो लोग उस जगह पर धमाके करवा के उन्हें बचा लेते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। और कार्लोस के लोग उन्हें शहर में ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें पॉक्स बचकर वहां से निकल जाते हैं। और वहां जॉन बिग जॉन को डेनमार्क डैनी का लेटर और ट्रांसलेटर के शब्द देता है और फिर वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। और वहां पर वार्ड भी आ चुका होता है और वो अपनी बेटी को बचाने आया ये बोलता है। और तब उसमें और बिग जॉन में लड़ाई होती है और वहां पर कार्लोस आता है और तब सभी लोग अपने मन मुटाव को भुलाकर आगे बढ़ते हैं। और सभी लोग एक दूसरी तरफ एक गांव में पहुंचते हैं और उन्हें वहां से एल्डोराडो शहर की तरफ आगे बढ़ना होता है। और तब वार्ड आने से मना करता है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है। और फिर बिग जॉन, जॉन और क्यारा पूरे दिन के सफर के बाद एक जगह को ढूंढ लेते हैं और वहां पर उन्हें एक जगह पर मूर्ति को रखकर चांद की रोशनी से उसके चमकने वाले प्राचीन चिन्हों को देखते हैं और उनसे उन्हें पंक्तियां मिलती है जिससे वो लोग एल्डोराडो शहर को ढूंढ सकते हैं। और वो लोग डेनमार्क टैनी के प्राचीन चिन्हों से उन पंक्तियों को सॉल्व करके याद कर लेते हैं। और वहां पर कार्लोस भी आ जाता है और वॉर्ड ने उसे वहां पर सारा को बचाने लाया है ये वो बताता है, जिसमें वहां पर गोलीबारी शुरू होती है और तब वहां पर बिग जॉन घायल होता है। और वहां से जॉन क्यारा को बचाकर आगे बढ़ता है और फिर बिग जॉन के साथ वो लोग उस पहाड़ी की दूसरी तरफ आते हैं और उन्हें वहां पर एक गुफा में एक तालाब के पास रास्ता आगे का नहीं मिलता, जिसमें सारा पानी के अंदर से रास्ता देखती है। और वहां पर बिग जॉन के घायल होने से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ये समझ जाता है। और तब जॉन और सारा पानी के रास्ते से अंदर जाते हैं और दोनों दूसरी तरफ निकलते हैं। और वहां से आगे जाने पर वो दोनों एक गुफा में पहुंचते हैं और उनकी पंक्तियों की मदद से वो लोग गुफा को समझते हैं और वो लोग वहां से एल्डोराडो शहर ढूंढ लेते हैं जो कि असल में सोने का होता है। और दोनों वहां से कई सारे सोने के टुकड़े को ले लेते हैं और उनके वापिस आने पर उन्हें गुफा के बाहर कार्लोस मिलता है और वो उनसे सोना लेकर खुश होता है। और तब बिग जॉन सामने आता है और वो एल्डोराडो शहर के रास्ते को उड़ा देने की धमकी देता है, जिसमें लड़ाई में सभी लोग वहां से भागते हैं और वो पूरी गुफा तबाह हो जाती है और कार्लोस वहीं पर मारा जाता है। और वहां से बाहर आने पर वार्ड उन्हें पकड़ लेता है, जिसमें वो उन लोगों से सोने का टुकड़ा लेता है। और तब वहां पर बाकी पॉक्स भी आ चुके होते हैं और सभी लोग आमने सामने आते हैं। और तब सारा वार्ड को रोकने जाती है और वहां पर कार्लोस के आदमी आकर बिग जॉन को पकड़ लेते हैं और तब वार्ड सारा को बचाने में मारा जाता है। और इस चीज से सभी पॉक्स दुखी होते हैं और फिर बिग जॉन वहां से निकलने पर जॉन की तारीफ करता है और सारा को जॉन का ख्याल रखने कहता है और वो भी मारा जाता है। और फिर सभी पॉक्स आउटर बैंक्स में आकर वार्ड और बिग जॉन को श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें वहां पर एल्डोराडो शहर को ढूंढने पर सम्मानित किया जाता है। और इस बारे में अब पूरी दुनिया में सभी लोगों को पता चल चुका होता है और उन लोगों के माता पिता भी काफी खुश होते हैं। और फिर एक पार्टी में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि पॉक्स को एक खजाने की जानकारी देता है और इस ट्रेजर हंट को खत्म करने कहता है, जिसमें सभी पॉक्स मान जाते हैं। और इसी के साथ ये बेहतरीन सीजन 3 सीजन 4 का संदेशा देकर यहीं पर खत्म होती है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स, लगे हाथों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।